हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, गर्दन दर्द, नेक पेन, सर्वाइकल पेन आज एक आम समस्या बनता जा रहा है। ये दर्द हर उम्र के व्यक्तियों को परेशान करने लगा है। बच्चों से बुड्ढों तक सभी इस समस्या से पीड़ित होते जा रहे हैं। लंबे समय तक मोबाइल व लैपटॉप पर काम करने से गर्दन पर दबाव पड़ता है। हमारी जीवन शैली और उठने बैठने तथा गलत तरीकों से सोना भी गर्दन दर्द का एक कारण बनता जा रहा है। एक शोध के अनुसार विश्व के लगभग 2/3 लोग गर्दन दर्द से पीड़ित हैं। गर्दन दर्द के कई कारण हैं, जिनमें अधिक समय तक गर्दन को झुकाकर लैपटॉप या मोबाइल पर कार्य करना, मोटा तकिया लगाकर सोना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत तरीके से सोना या चोट लग जाना कुछ मुख्य कारण हैं। इस वीडियो में मैं आपको गर्दन दर्द से छुटकारा पाने तथा गर्दन के दर्द से तुरंत रिलीफ पाने के कुछ घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज, होम टिप्स बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जानकारी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको ये जानकारी अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो कृपया एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर हम आपके लिए तरह तरह के धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स, टेक्निकल नॉलेज लेकर आते हैं। और सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स निरंतर लगातार मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं गर्दन दर्द से छुटकारा पाने के कुछ आसान घरेलू उपाय। दोस्तों, गर्दन दर्द से तुरंत रिलीफ पाने के लिए पहला उपाय है आइस पैक। आइस पैक का उपयोग करके आप गर्दन दर्द से तुरंत आराम पा सकते हैं। बर्फ गर्दन दर्द में तुरंत आराम देने के लिए सबसे सरल तरीका है। बर्फ का सेक सूजन को कम करने में सहायक होता है और इससे दर्द कम करने में मदद मिलती है। बर्फ के सेक के लिए एक प्लास्टिक की थैली में थोड़ी बर्फ का चूरा करके डाल लीजिए और 10 से 15 मिनट तक इसे गर्दन पर लगा के रखिए। यदि आपको ज़्यादा ठंडा लगता है तो कुछ सेकंड के लिए आप इसे हटा भी सकते हैं। आइस पैक का प्रयोग दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है, तो 2 से 3 बार आइस पैक का प्रयोग कीजिए दर्द होने पर। दूसरा उपाय है हाइड्रोथेरेपी। दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी गर्दन दर्द में आराम के लिए बहुत प्रभावशाली रेमेडीज है। इससे गर्दन दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इस थेरेपी के लिए हमें गर्म व ठंडे पानी का प्रयोग करना होता है। गर्दन पर दर्द वाले हिस्से पर 4 से 5 मिनट तक गर्म पानी का फुहारा शावर चलाइए। यदि आपके पास फंवारा नहीं है, सावर नहीं है, तो आप किसी जग या डब्बे से या किसी अन्य साधन से गर्म पानी डाल सकते हैं। फिर 1 मिनट तक ठंडे पानी का सावर प्रयोग कीजिए। इस प्रयोग को 3 से 4 बार दोहराइए। गर्म पानी से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल्स नरम होती है, और ठंडे पानी से स्वेलिंग सूजन कम होती है। तो ठंडे पानी और गर्म पानी का प्रयोग करने से दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। इस थेरेपी से आपको कोई नुकसान नहीं है, तुरंत आराम मिलेगा। तीसरा उपाय है सेंधा नमक, एप्सम साल्ट। दोस्तों, सेंधा नमक मस्क्यूलर पेन, मांसपेशियों के दर्द में बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है। ये एक रामबाण औषधि है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिससे मांसपेशियों की सूजन व दर्द तुरंत कम होता है। मैग्नीशियम सल्फेट में मांसपेशियों की सूजन व दर्द कम करने का प्राकृतिक गुण होता है। एक बाल्टी गर्म पानी में 200 से 250 ग्राम 250 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर रोजाना इससे 2 बार स्नान कीजिए। गर्दन का दर्द कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला उपाय है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर कई रोगों में प्राकृतिक उपचार हेतु प्रयोग लिया जाता है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इसके प्रयोग से आप गर्दन के दर्द से तुरंत आराम पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक पेपर टवाल को सेब के सिरकों में भिगो लें। एक पेपर टवाल को सेब के सिरके में भिगो कर गर्दन पर दर्द वाले स्थान पर रखिएगा और इसे कुछ घंटों के लिए लगा रहने दीजिए। आप चाहें तो एक दूसरा एप्पल साइडर का दूसरा प्रयोग है, जिसमें आप नहाते समय गर्म पानी में 2 कप एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका मिलाकर गर्म पानी से नहाइएगा। इससे भी आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा गर्दन दर्द की समस्या होने पर रोजाना गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है।
गर्दन दर्द से स्थायी रूप से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से गर्दन का व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए। सोते समय तकिए का प्रयोग ना कीजिए। लंबे समय तक लगातार कुर्सी पर ना बैठिए। लैपटॉप पर कार्य करते समय प्रत्येक आधे घंटे में 5 मिनट का आराम जरूर लीजिए। अधिक दर्द होने पर कुछ दिनों तक लैपटॉप व मोबाइल को बाय बाय कर दीजिए। लैपटॉप व मोबाइल पर कार्य करना बंद कर दीजिए। दर्द के समय जब दर्द हो गर्दन में, उस समय वजनदार चीज को ना उठाइए और उठने बैठने में अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप गर्दन दर्द से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थे गर्दन दर्द से छुटकारा पाने के कुछ आसान उपाय, होम रेमेडीज, होम टिप्स। आप भी यदि गर्दन दर्द से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इनमें से एक या दो उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप अपने मित्रों रिश्तेदारों से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। शुभ दीपावली। धन्यवाद।